दलाल। रुक जाइए। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी अपने बाप की इज्जत मट्टी में मिला दी। जनक, का वक्त गुजर गया मियां, आप सिर्फ सजा मिलेगी, हमारी इज्जत को यूं गलियों में रौंदने की। तो क्या बात करें, मेरा ऐना से कोई लेना देना नहीं है। आप पूछिए ना इसे, पूछ लीजिए, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इनको घर छोड़ने आया था। अरे सजा किस बात की देनी है, सजा तो यह है कि निकाह को बुलवाओ और इन दोनों का निकाह पढ़वाओ। इससे भी पता चले ना जरा के चौराहे पे किसी की इज्जत रोलने का नतीजा क्या होता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये निकाह कैसे हो सकता है? आप तुम बताओ इनको, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पूछ लीजिए। अरे रहने दो, जान छुड़ा रहे हो, सब जानती हूँ मैं, इसी तरह जान छुड़ाया करते हैं लोग। लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला ये, तुम्हें हमारी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, तुम सलामत यहाँ से जा नहीं सकते, बताओ इसे। अरे आपने मुझे क्या समझ रखा है, कैसे हो सकता है ये निकाह? अजीब जबरदस्ती है, मैं कोई निकाह विकाह नहीं कर रहा, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। इसको बख्शते हैं, इसका हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने गलती की थी ना, मैंने भेजा था इसे, मुझे सजा दीजिए, इसको सजा मत दे। अरे बस करो बस करो बीबी, ये नाटकबाजी बस करो, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें मैं। अगर इतना ही ख्याल था तो मेरे भाई की इज्जत क्यों खाक में मिला दी? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जैसी को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। महमूद अली, अभी के अभी इसे तलाक दो, निकालो इसे यहाँ से। सुना नहीं तुमने, तलाक दो इसे। मैं महमूद अली, अपने होश व हवास में बगैर किसी दबाव के आपदा बेगम तुम्हें तलाक। रुक जाइए, रुक जाइए, कोई किसी को तलाक नहीं देगा। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं।